let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go. एपिसोड स्टार्ट होता है और गॉन्ज रेड से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है, तो टिसी पूछती है कि क्या तुम ही गाइडन हो। मैं बता दूं कि जोल्तान में आने से पहले रेड का नाम गाइडन होता है। रेड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर रेड गॉन्ज को वहां से जाने के लिए कहता है, तो टिसी पूछती है कि क्या वो नाराज नहीं होगा, तो रेड कहता है कि उसे हमारे पर्सनल मैटर्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो टिसी रेड को बताती है कि मेरा नाम टिसी है और मैं आपकी जगह हीरो पार्टी में आई हूँ। रूटी रेड से पूछती है कि क्या तुम किसी के साथ रह रहे हो, तो रेड बोलता है कि हाँ, और बताता है कि वो लगरविया की प्रिंसेस है। तो रूटी को रिट याद आ जाती है। रेड बोलता है कि एरीज ने तुम्हें बताया होगा कि मैं डीमन लॉर्ड के बारे में ढूंढने अकेले चला गया, तो रूटी कहती है कि एरीज ने कहा कि तुम भाग गए। रेड को एरीज पे गुस्सा आ रहा होता है। रेड रूटी को सारी बात बताता है और उसे बिना बताए चले जाने के लिए माफी मांगता है। रूटी कहती है कि मैं एरीज को निकाल दूंगी पार्टी से और फिर हम साथ में एक बार फिर से ट्रैवल करेंगे। तुम्हारे बिना पार्टी ठीक से चलती नहीं है, पार्टी को तुम्हारी जरूरत है। एरीज तुम्हारा जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहा है, डैनन तुम्हें ढूंढने के लिए चला गया और यारेन डेरेला ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि एरीज ने तुम्हें मार दिया है। तो रेड कहता है कि मुझे लगा कि तुम सब अच्छे से एडवेंचर कर रहे होगे मेरे बिना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। तो रूटी कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगी। तो रेड और टिसी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे रिट आ जाती है। रेड सभी के लिए चाय बनाता है और रूटी से पूछता है कि तुम जोल्तान में क्यों आई। तो रूटी कहती है कि पहला कि मुझे तुम्हें ढूंढना था और दूसरा कि मुझे किसी और को मिलना था और मैं उससे मिल चुकी हूँ। रिट रेड से पूछती है कि तुम क्या करोगे, तो रेड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दुकान चलाऊंगा। तो रूटी कहती है कि रिट तुम चिंता मत करो, मैं भी जोल्तान में ही रहूंगी। रूटी को कुछ और काम था इसलिए वो वहां से चली जाती है। रास्ते में रूटी को अचानक दर्द होने लगता है। शाम हो जाती है और रिट रेड से कहती है कि रूटी को तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। तो रेड कहता है कि इसके बारे में मुझे अभी और सोचना है, इसलिए बाद में हम मिलके रूटी से बात करेंगे। रात हो जाता है और टिसी गुडविन से पूछती है कि तुम्हारा चोट अब कैसा है, तो वो कहता है कि अभी वो हील हो रहे हैं। वो टिसी से पूछता है कि हम जोल्तान में कब तक रहेंगे, तो टिसी कहती है कि प्लान में कुछ चेंज है इसलिए हम कुछ और दिन यहाँ पर रुकेंगे। तो गुडविन कहता है कि अगर किसी जोल्तान वाले ने मुझे यहाँ पे देख लिया तो मुझे जेल में वापस डाल दिया जाएगा, तुम मेरे बिना ड्रग्स नहीं बना सकती हो। तो टिसी कहती है कि शांत रहो, मैं भी तुम्हारे जितना ही शौक थी। टिसी रूटी के पास जाती है और बोलती है कि हम गुडविन को अपने साथ ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं, उसे हाई क्वालिटी का वर्कशॉप चाहिए ड्रग बनाने के लिए। तो रूटी कहती है कि मुझे एक जगह को सर्च करना है, अगर मुझे एक हफ्ते में कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। रूटी बताती है कि जहाँ पे हमारा एयरशिप लैंड हुआ था वहाँ के माउंटेन्स में एक एंशियंट एल्विन रूइन है। तो टिसी कहती है कि वो छुपने के लिए अच्छी जगह होगी। तभी रूटी उसके तरफ बढ़ने लगती है तो टिसी डर से नाइफ निकाल देती है। रूटी कहती है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें डर लगा हो तो। तो टिसी मन में बोल रही होती है कि रूटी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने के कारण वो दुनिया से अलग हो गई है और टिसी रूटी से माफ़ी मांगती है। वो रूटी को अपने पेट से मिलवाती है जिसका नाम मिस्टर क्राउली वाउली होता है। टिसी मन में सोच रही होती है कि मैं टिसी हूँ जो असैसिन पार्ट टाइम एयरशिप पायलट थी, लेकिन अब मैं हीरो की फ्रेंड भी हूँ। फिर बुई को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि बस इतना ही मैजिकल पावर इकट्ठा हुआ है अभी तक, शायद किसी को कर्ज के बारे में पता चल गया है। फिर अगले सुबह रेड के दुकान को दिखाते हैं जहाँ पे रूटी और टिसी दवाई बेच रहे होते हैं। तीन आदमी दवाई खरीदने के लिए आए होते हैं लेकिन वो रूटी का चेहरा देख के भाग जाते हैं। टिसी कहती है कि सारे कस्टमर्स यहाँ से चले जा रहे हैं, तो रेड कहता है कि रूटी का चेहरा थोड़ा डरावना है। तो टिसी रूटी को स्माइल करने के लिए बोलती है। रेड रूटी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें जोल्तान घुमाता हूँ, और वो दोनों घूमने चले जाते हैं। टिसी रिट के साथ दुकान संभालती है। रेड रूटी को उस सौना में लेके जाता है जहाँ पे वो जाया करता था। स्टीम बाथ लेने के बाद रूटी और रेड जूस पी रहे होते हैं। रूटी रेड से कहती है कि बहुत साल बाद हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी एक छोटी बच्ची रेड से कहती है कि आपकी बहन बहुत ही अमेजिंग है, उसने नहाने के बाद तुरंत ही अपने बॉडी को सुखा लिया। तो रेड कहता है कि तुमने सही कहा, ये बहुत ही अमेजिंग है। बाहर निकलने के बाद रूटी रेड से सौना में हुए इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। तो रेड कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है,
मुझे खुशी है कि तुम लोगों के साथ बातचीत कर सकी। तुम बहुत ही काइंड और भरोसेमंद हो और मुझे तुम पे गर्व है। और रेड उसे मार्केट ले जाने लगता है। रास्ते में रूटी कहती है कि अगर मुझे एक विश मांगना होता तो मैं ये मांगती कि ये दिन कभी खत्म ना हो। फिर थियोडोरा एल्बर्ट और एरिस को दिखाते हैं और एल्बर्ट उन्हें बता रहा होता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूटी सुल्तान के पास होगी। थियोडोरा एल्बर्ट को थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें हीरो के लोकेशन के बारे में पता चला था। वो एल्बर्ट को बताती है कि हम तुम्हारे लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म खरीदेंगे। तो एल्बर्ट कहता है कि जिसने मेरा हाथ काटा वो आदमी बहुत ही अजीब था। वो पावरफुल होके भी चैंपियन नहीं बनना चाहता था। हमें अपने ब्लेसिंग के हिसाब से लाइफ जीना चाहिए। तो थियोडोरा कहती है कि लेकिन लोगों के भी अपने ड्रीम्स और फ्यूचर होते हैं। लोगों को अपने ब्लेसिंग के हिसाब से ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो गॉड हमें फ्री विल नहीं देते। फिर रात में रेड के घर पे सब मिल्क और हनी पी रहे होते हैं। रेड रूटी और टिसी को बाथटब में नहाने के लिए कहता है तो रूटी रेड से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहा सकती हूँ। तो रेड कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं। तो रूटी कहती है कि फिर मैं रेड के साथ नहाऊंगी। तो टिसी कहती है कि मैं जगह जगह पे बाथटब का रिकॉर्ड रखती हूँ और लोग मुझे इसमें एक्सपर्ट मानते हैं। टिसी रेड के बाथटब को 4 स्टार देती है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है और उसका पानी उसके मुंह तक आ रहा होता है। लेकिन फिर वो बाद में कहती है कि मुझे रूटी और रेड पे ध्यान रखना पड़ेगा वरना ये एक दूसरे को रेड के चक्कर में मार भी सकते हैं। रूटी रेड से पूछती है कि क्या तुमने रेड के साथ नहाया है। तो वो हाँ कहती है। रेड रूटी से पूछती है कि रेड बचपन में कैसा था। तो रूटी कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। जब मैं छोटी थी तब मैं वीक थी। फिर रूटी एक पुराना स्टोरी बताती है जहाँ पे उसे बचपन में हीरो होने के कारण एक दूसरी बच्ची को एक आउल बियर से बचाने के लिए भेजा गया था। रूटी को वो आउल बियर मारने वाला होता है तभी वहाँ पे रेड आता है और आउल बियर को मार देता है और वो रूटी से लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है। सीन प्रेजेंट में आता है और रूटी कह रही होती है कि मेरे भाई ने हमेशा मेरी मदद की है। मेरी बॉडी पे हीट या कोल्ड का कोई असर नहीं होता है। लेकिन मुझे आज का बात इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मेरी और रेड की पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं। तो टीसी कहती है कि रूटी के पास बस रेड ही है। रूटी रेड को बताती है कि लोगरविया में एडवेंचर के टाइम पे मुझे तुमसे जलन हो रही थी। तुम हंस रो या गुस्सा हो सकती थी और तुम मेरे भाई के पास आ रही थी। मुझे हीरो नहीं बनना था, मुझे तुम्हारी तरह ज़िंदगी चाहिए था। तो टीसी कहती है कि लगता है कि बस रेड ही है जो हीरो रूटी को बचा सकते हैं। लेकिन वो बाद में कहती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिस तरह रेड ने प्रिंसेस रेड को बचाया था उसी तरह शायद मैं भी हीरो रूटी को बचा सकती हूँ। और अब से हीरो को बचाने का मिशन स्टार्ट होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।